नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और एक नई वैकेंसी के बारे में। नई वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है। कई कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी कब तक आएगी, प्लस यहाँ पे BSc जिन्होंने किया है, GNM जिसने किया है, NM जिनने किया है, PBBSc जिनने किया है, कब तक यहाँ पर जो है वैकेंसी आएगी। तो फाइनली यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे जो वैकेंसी आ चुकी है, सबकी डिटेल्स यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सैलरी कितना दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, और आपकी जो है पोस्ट है वो परमानेंट टेम्परेरी बेसिस पर है। सारी चीज पर यहाँ पर मैं आप जो है आपको सारी अपडेट देने वाला हूँ। लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। चलते हम सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपडेट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी यहाँ पर आती है मैं सबके नोटिफिकेशन लेकर आते रहता हूँ, और किस तरह से आवेदन करना है वो भी वीडियो में आपको समझाता हूँ। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पर इस तरह से आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी TMC से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे जो इसको जूम करेंगे यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। वॉक इंटरव्यू यहाँ पे जो है आपकी पोस्ट है, प्लस यहाँ पे 11/10/2024 टाइमिंग दिया गया हुआ है, 9 AM से यहाँ पे जो है 11:30 AM फॉर द कॉन्ट्रैक्ट नर्स। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है, अभी और भी वैकेंसी है जिसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर जो है हम इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्टी पेरोल आउटसोर्स एट द वेन्यू, ये यहाँ पे डिटेल्स दिया गया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट टाइम 3/10/2024, एंड टाइम 11/10/2024। नीचे स्क्रॉल करेंगे वॉक इंटरव्यू आपकी पोस्ट है ऑन 11/10/2024 बिटवीन टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे जो है आपकी नर्स की पोस्ट होने वाली है। वेन्यू दिया गया हुआ है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, सेंटर का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि कैंसर सेंटर है। अब यहाँ पे जो है आप लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है वो यहाँ पे प्रोसेस दी गई हुई है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इंटरेस्टेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट, जो यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट से एलिजिबल कैंडिडेट से वो वॉक इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं अप्लाई करने के लिए। प्लस यहाँ पे जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे, जैसे कि यहाँ पे बायोडाटा, पास साइज फोटो, ओरिजिनल यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज यहाँ पे आपको लेकर आनी होगी। अब यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, GNA वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑनकोलॉजी नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 ईयर का अगर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 50-बेड हॉस्पिटल में तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है PBBSC वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम 50-बेड हॉस्पिटल में। अब क्लिनिकल एक्सपीरियंस में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बिफोर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग शैल आल्सो बी कंसिडर्ड, तो ये पहले ही यहाँ पे बता दिया गया हुआ है। ठीक है, फ्रेशर BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स में आल्सो अप्लाई, हाउ मे बी आर कंसिडर्ड फॉर द लोअर सैलरी सब्जेक्ट एज अनसेलेबिलिटी फॉर द सुलेबिलिटी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स दी गई हुई है BSc नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए। पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताई है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जिन्होंने PBBSC, BSc नर्सिंग, GNM किया वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट एज क्राइटेरिया देख सकते हैं 30 ईयर, वॉक इंटरव्यू पोस्ट है। अब यहाँ पे 33,000 आपकी सैलरी है। GNM विद डिप्लोमा ऑनकोलॉजी जिन्होंने किया है, PBBSC जिनने किया, 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिनके पास है। 31,500 सैलरी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों की है। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो है नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको शेयर किया, वैकेंसीज आ चुकी है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड वैकेंसीज के लिए डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड वैकेंसीज की डिटेल्स है, जिसमें यहाँ पर जो इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर नर्स की, एक्सक्यूटिव नर्स की, जूनियर एक्सक्यूटिव नर्स की है, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को पोस्ट कैटेगरी देखने को मिल जाती है, सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी, CPC, एज क्राइटेरिया और अप्लाई का सेक्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं जूनियर नर्स की, PWD की, SR प्रोफेसर की, प्रोफेसर मेडिकल ऑनकोलॉजी की, प्रोफेसर की, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है जिसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की कार्डियोलॉजी में पोस्ट है, इस तरीके से काफी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेशनल क्लिनिकल यहाँ पे जो है इसकी पोस्ट है, उसके बाद कंसल्टेंट यहाँ पे जो है आपको पोस्टें देखने को मिल जाएगी ग्रेड के हिसाब से। तो अलग अलग यहाँ पे पोस्टें आ चुकी है, पर्सनल सेक्रेटरी, उसके बाद सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर बिलिंग एंड कैश के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। UR की, एक्स्ट, OBC की, EWS की है, तो काफी अच्छी यहाँ पे जो है वैकेंसीज है, आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। काफी सिंपल प्रोसेस रखा गया है, जैसे किसी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे नर्सिंग पोस्ट के लिए काफी लोग का अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है जैसे अप्लाई वाले सेक्शन पे आएंगे यहाँ पे आपका जो है आपको नेम डालना होगा, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म, सबमिट पे क्लिक करना है, आपकी आईडी बन जाएगी। अब आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इस वैकेंसी, जिस भी आप वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं। तो छोटी सी प्रोसेस है, काफी अच्छी वैकेंसीज है, आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अमेंडमेंट भी यहाँ पे देखने को आपको जो है मिल जाता है, जिसमें एक्सिक्यूटिव नर्स की पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है,
इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पोस्टें निकाली गई है जिसको यहाँ पे जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, डिटेल में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पोस्ट यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ जो कि सेंट्रल लेवल की पोस्ट निकल कर आ रही है, कई लोग को इस बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे जो आप जरूर इस पोस्ट में अप्लाई कीजिएगा। एलोवेंस काफी अच्छे होते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, लेवल 12 का है, 78,800 आपकी स्टार्टिंग में सैलरी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पे आपको जो मिलने वाली है। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, UR की 4 यहाँ पे जो है पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है। उसके बाद स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि टोटल ओवर 176 पोस्ट है। इस पर मैंने ऑलरेडी फुल वीडियो बनाया किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज मैंने बताई हुई है, जिनने वो वीडियो जाकर नहीं देखा जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वैकेंसीज की जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है कि यहाँ पे इस तरीके से जो है वैकेंसीज आई है, नर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, एक यहाँ हॉस्पिटल में वैकेंसीज है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे अगर आप सेंट्रल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबका क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई हुई है जिससे यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन आप कौन से स्टेट से हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे कौन से स्टेट की नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज आप सर्च कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, तो मैं उस पर नोटिफिकेशन लेकर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।